माँ की सेवा करूँ या काम। एक बार किसान नाम का एक आदमी बाजार में फल खरीदने के लिए गया तो उसने देखा कि फल की रेड़ी के पास ही एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ था और उस पर मोटे अक्षरों से ये लिखा हुआ था कि मेरी बुढ़ी माँ बहुत बीमार है और मुझे उनके लिए खाना बनाना पड़ता है और कुछ दिनों से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से मुझे उन्हें टॉयलेट में भी लेकर जाना पड़ता है। मुझे थोड़ी थोड़ी देर ही माँ का दवाइयाँ भी देनी होती हैं। इसीलिए अगर आपको जल्द है तो आप अपनी ही मर्ज़ी से फलों को तोल लें और इन सभी फलों के रेट साथ में ही बोर्ड पर लिखे हुए हैं। अगर आपको फलों के रेट ज़्यादा लगे तो आपको जो भी सही लगे उतने ही पैसे तराजू के बगल में एक पत्ते के नीचे रख दें। अगर आपके पास अभी पैसे नहीं हैं तो आप बाद में भी दे सकते हैं और आपको फलों में कुछ कमी नज़र आए तो मुझे साफ माफ़ कर दे, मगर आपसे शाम को 7 बजे ही रेडी के पास मिल सकता हूँ। तभी उस बोर्ड को पढ़कर किशन की भी आंखें नम हो गई। उसने सोचा कि इस फल वाले ने मैं एक बार ज़रूर मिलूँगा और किशन ने कुछ फलों को तोलकर अपने थैले में रख लिया और उसने अपनी जेब से पैसे निकाल कर उस गत्ते की उठाया तो वहाँ पर कुछ दो ढाई सौ रुपये थे। तो उसने भी पैसे रख कर गद्दे के ढक दिया और फिर किशन वहाँ से चला गया। और एक दिन किशन ने उस फल वाले से मिलने का मन बनाया और वो शाम को ठीक 7 बजे फल के रेडी पर पहुँच गया। वहाँ उसने देखा कि एक कमज़ोर सा आदमी, उसकी दाढ़ी आधी काली आधी सफ़ेद, उसने मेला सा कुर्ता पजामा हुआ पहना हुआ था। और जैसे ही किशन वहाँ पहुँचा तो वो आदमी अपनी फलों को रेडी को धक्का लगाते हुए वहाँ से जाने वाला था। तभी उस आदमी ने किशन की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, साहब फल तो ख़त्म हो गए। तो किशन ने उसे रोकते हुए कहा कि ज़रा रुकिए, मुझे फल नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ आपसे मिलना चाहता हूँ। तभी वो फल वाला हैरान होकर रुक गया और तभी उसने अपनी रेडी के नीचे से एक स्टूल निकाला और उसे अपने गमछे से साफ करके उस पर किशन को बैठाने के लिए कहा। तभी किशन ने कहा आदमी से, अरे नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ आपसे आपके बारे में कुछ जानना चाहता था। तो फल वाले ने हाथ जोड़कर कहा कि साहब मेरा नाम सीताराम है। फिर किशन ने सीताराम से कहा कि सीताराम जी, मेरा नाम किशन है और आपका क्या मेरे साथ ढाबे पर चलेंगे, एक कप चाय पी सकते हैं। तभी वो दोनों चाय पीने सामने ढाबे पर चले गए और चाय भी आ गई। तब भी चाय पीते पीते सीताराम किशन से कहने लगा कि साहब पिछले 3 साल से मेरी माँ बहुत ज़्यादा बीमार है, इसीलिए अब वो बिस्तर पर ही रहती हैं और मेरी कोई शैतान भी नहीं है। 2 साल पहले ही मेरी पत्नी भी की मृत्यु हो गई थी, बस अब मेरी माँ मैं ही बचे हैं इस घर में और अब मेरी माँ की देखभाल करने वाला मेरे सिवा कोई नहीं है, इसीलिए मुझे हर वक्त माँ का ख्याल करना पड़ता है और मैं अपनी माँ से बेहद प्यार करता हूँ। और साहब एक दिन जब मैं अपनी माँ के पांव दबाता हुआ उसने कह रहा था कि माँ मुझे तेरी सेवा करने के तो बड़ा जी चाहता है, पर क्या करूँ माँ, मुझे फल बेचने भी तो जाना पड़ता है ना, और तू है कि मुझे रोज ही अपने पास रोक लेती है, माँ और घर में भी खाने को कुछ भी नहीं है, अब तू ही बता मैं क्या करूँ। तभी मेरी माँ ने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए मुझसे कहा कि बेटा मैं चाहती हूँ कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तू मेरे पास ही रहा कर, तू मेरे पास नहीं होता तो मेरा मन बहुत घबराता है, ना जाने मेरी जान कब निकल जाए। और इतना कहते ही उनकी आँखों में आंसू आ गए। तभी मैंने अपनी माँ से कहा कि तू रो मत माँ, जैसा तू कहेगी मैं वैसा ही करूँगा, अब से मैं फल बेचने नहीं जाऊँगा, बस तेरे ही पास रहूँगा। माँ तब मेरी माँ ने मुझसे कहा कि सीताराम तू कल से ऐसा करना कि अपनी फलों की रेडी पर वहीं छोड़ आया कर और हमारी किस्मत में जो भी कुछ है वो हमें कमरे में बैठकर मिल जाएगा।
और तू शाम को जाकर फलों की रेडी लेकर आया कर। मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ क्या बात करती हो, अगर फलों की रेडी वहाँ छोड़ाऊँगा तो कोई चोर चुरा कर सब कुछ लेकर चला जाएगा और बिना माली के कौन फल खरीदने आएगा। तभी माँ ने कहा, तू ईश्वर का नाम लेकर अपनी फलों की रेडी को भर कर छोड़ा, बस ज़्यादा बकबक मत कर और शाम को तू खाली रेडी ले आया और तेरा एक भी पैसा कोई नहीं चोरी करेगा, बल्कि तू वहाँ पर नहीं रहोगा तो 10 जाने तेरी फलों की रेडी का ध्यान रखेंगे और बाकी तू उस पर छोड़ दे। और किशन साहब, मेरी माँ की कहती बातों को मान कर ही मैं रोज़ रेडी सुबह वहाँ छोड़ कर चला आता और शाम को खाली रेडी ले जाता और इस तरह मैं अपनी बूढ़ी माँ की दिन भर सेवा भी कर लेता हूँ। और ये तो कुछ भी नहीं साहब, आज तक फलों की खरीदारी में एक पैसे का भी हेर फेर नहीं हुआ और बल्कि कुछ लोग तो बस बोर्ड को पटकर थोड़े बहुत ज़्यादा ही पैसे रख कर जाते हैं और तभी मेरी माँ के लिए फूल रख जाते हैं तो कभी कोई हम दोनों के लिए खाने का टिफिन रख जाते हैं। परसों किसी ने अपनी एक छोटी बच्ची के हाथ पुलाव बनाकर शाम को मुझे भिजवा दिया और कल साहब कोई डॉक्टर फल ले आया होगा तो उसने मेरे गद्दे के नीचे अपना एक कार्ड और एक पर्ची छोड़ दी जिसमें लिखा था कि अम्मा जी की तबीयत में सुधार ना आए तो कृपया मुझे इस नंबर पर कॉल कर लेना, मैं आ जाऊँगा। और साहब इसी तरह करते करते आज 8 महीने निकल गए, तभी कोई किसी बात की कमी नहीं हुई और मेरी माँ की कही बात बिल्कुल सच हो गई। अगर हम ऊपर वाले पर सच्चे मन से विश्वास करेंगे तो हमारा ज़रूर ध्यान रखेगा। और यही नहीं साहब, यहाँ जो लोग आते जाते हैं मेरे फल खरीदने आते हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, उन्हें भी मेरी दिल से बहुत सहायता की है। पहले मैं सोचता था आज के ज़माने में कोई किसी का भी ज़रा भी सहायता नहीं करता, मगर साहब अब मैं जान गया हूँ कि आज भी इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूसरे किसी सहायता करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं और उन सब का दिल से शुक्रिया करता हूँ और मैं ईश्वर से उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि वो सभी लोग हमेशा खुश रहे और उनके घर में कोई भी कमी ना हो। सीताराम की ऐसी बातें सुनकर किशन भी आंखें में आंसू आ गए। तभी सीताराम किशन से कहता है कि साहब आपका चाय पिलाने के लिए धन्यवाद, मगर अब मैं चलता हूँ, मेरी माँ राह देख रही होगी और मुझे उनके लिए खाना भी बनाना है। और ये कहकर सीताराम वहाँ से अपनी रेडी लेकर चला गया और किशन वहीं खड़ा के खड़ा सोच रहा था कि हे भगवान, ऐसा बेटा घर में जो सीताराम की तरह ही है वो अपनी माँ की हमेशा सेवा करे। तो दोस्तों, जीवन में अपने बूढ़े माँ बाप से कभी भी घृणा मत करना और उस समय की खूब सेवा करना। हाँ दोस्तों, माँ बाप के साथ साथ उन सब लोगों को भी सहायता करो जिन्हें आपकी ज़रूरत है, ताकि दोस्तों हमारे साथ साथ वो लोग भी जीवन में हमेशा खुश रहे। धन्यवाद।